बच्चों आज हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी एक टॉपिक के रूप में पढ़ाया जाता है बताया जाता है। सांख्यिकी किसे कहते हैं? सांख्यिकी के मोटे मोटे तथ्य मोटी मोटी बातें हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा सांख्यिकी किसे कहते हैं, फिर इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, फिर डेटा कलेक्शन किस प्रकार से करते हैं और उनका टेबुलेशन किस प्रकार किया जाता है, और प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं, सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। सामान्य रूप से सांख्यिकी की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आंकड़ों का संकलन करना, उसको व्यवस्थित करना, उसको जमाना, उसको वर्गीकृत करना, उसको एक व्यवस्थित ढंग से करना सांख्यिकी अर्थात संख्याओं को आंकड़ों के रूप में जमाना या उसे व्यवस्थित करना या उसको समझाने के लिए व्यवस्थित करना। तो हम जो बात कहना चाहते हैं, किसी भी तथ्य के बारे में बताना चाहते हैं, तो उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए, उसका विवेचन करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है आंकड़ों की। और आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है तो हम आंकड़ों का हम संकलन करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। तो वो आंकड़े को का ज्ञान रखना और उसका बताना, उसके बारे में समझना और उसका एनालिसिस करना, ये सब सांख्यिकी के अंदर आता है। और इसका इम्पोर्टेंस के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि सांख्यिकी का इम्पोर्टेंस आज के समाजशास्त्र के बारे में हम कहें या किसी भी क्षेत्र में, समाज विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में हम इसका, हर विषय में इसका उपयोग होता है। समाजशास्त्र का कोई सा भी, अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, या कोई सा भी समाज विज्ञान का विषय हो जिसमें हम इसका उपयोग होता है। कहने का अर्थ यह है कि सांख्यिकी का प्रयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। सांख्यिकी के बारे में हम सामान्य जानकारी लें तो ये कहेंगे कि बिना संख्याओं का ज्ञान, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हमें संख्या के रूप में जानकारी प्राप्त करना बहुत अति आवश्यक होता है। क्योंकि अगर हमें पता नहीं चलेगा कि किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए किस प्रकार से उसको काम में लिया जाए या उसका विवेचन किया जाए, तो सबसे पहले समस्या कितने रूप में है, किस रूप में है, विस्तृत रूप में, संक्षिप्त रूप में है, तो उसकी, उसको संख्या के रूप में आंका जाता है। संख्या के रूप में समस्याओं को आंकना और उसका संकलन करना, फिर उसको इकट्ठा करना, उसका विवेचन करना आदि सब ये जो है संख्या के माध्यम से किया जाना ही सांख्यिकी का रूप है। अब इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि आज के समय में हर प्रकार की समस्या, चाहे अर्थशास्त्र की हो, चाहे किसी भी शास्त्र की हो, या समाजशास्त्र के अन्य विषयों की हो, या समाज विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाना अति आवश्यक है। बिना इसके उपयोग के हम किसी भी समस्या का निदान नहीं कर सकते। अब इसके लिए हमें अभी मान लो कि हमें जनसंख्या का विवेचन करना है, या मतलब फाइनेंशियल वित्तीय व्यवस्था का विवेचन करना है, या बजट का विश्लेषण करना है, या किसी आय का विश्लेषण करना है, या किसी मद का विश्लेषण करना है, या किसी किसी प्रोग्राम का विश्लेषण करना है, तो इन सब के बारे में हमें आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं। उन आंकड़े के इकट्ठे करने के पश्चात फिर हम किसी जो है विश्लेषण पर, नतीजों पर पहुंचते हैं। इसलिए इसका उपयोग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि जब हम समस्याओं का सही रूप से विवेचन करेंगे तो उसका निदान भी हम सही रूप से ढूंढ पाएंगे। अगर समस्या को ढूंढने में हमें कठिनाई हो रही है तो समस्या का निदान हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका विवेचन करने से पहले सबसे पहले हमें समस्याओं को जानना पड़ता है। समस्याओं को जानने के लिए
किस स्तर की है, किस प्रकार की है, इनके बारे में सारी जानकारी हमें लेना अति आवश्यक है और इसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाता है और सांख्यिकी टूल्स जिसे हम कहते हैं सांख्यिकी तथ्यों का विश्लेषण सांख्यिकी विधियों के माध्यम से किया जाता है और इसका लिमिटेशन इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसकी काफ़ी कुछ सीमाएँ हैं जिनके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। एक निश्चित सीमा के अंदर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और उस सीमा के बाद हम इसे नहीं कर सकते। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हम एक किसी भी समस्या की जड़ तक अगर नहीं पहुंच पाते तो कम से कम उसके इर्द गिर्द उसका हम निदान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी समस्या को हम जानने के लिए उसके समकक्ष पहुंच जाते हैं जिसका हम निदान कर रहे हैं और उसका निदान हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें सर्वप्रथम फील्ड में जाकर के क्षेत्र में जाकर के दो प्रकार के डेटा इकट्ठे करने पड़ते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा हम इसे कह सकते हैं। प्राइमरी डेटा वो होते हैं जो व्यक्तिगत व्यक्ति से संपर्क करके या एक जहाँ पर जिस प्रकार की जो समस्या है उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाएं और आंकड़े इकट्ठे करने के लिए प्राइमरी स्तर पर छोटे स्तर पर प्रश्नावली बना करके प्रश्नावली क्वेश्चनरी और शेड्यूल अनुसूची बना करके उसके हिसाब से हम प्राइमरी डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसका एडिटिंग करते हैं, उसका निष्पादन करते हैं, उसका संपादन करते हैं, फिर संपादन करने के पश्चात फिर उनको हम एकत्र करते हैं, कलेक्शन करते हैं, वो कलेक्शन करने के बाद फिर सेकेंडरी डेटा का हम उसको बनाते हैं। सेकेंडरी डेटा बनाने के बाद फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं, सेकेंडरी डेटा बनाने के एनालिसिस करने के बाद फिर प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को फिर अगेन रिफॉर्म करते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा मिसिंग हो तो मिसिंग को दूर करते हैं और उसके अंदर कोई त्रुटि हो तो उस विभ्रम हो तो उसको हम दूर करते हैं। एरर्स होती है विभिन्न प्रकार की सेकेंडरी डेटाओं में तो हम उनको निकालते हैं, तो वो स्टैटिकल मेथड के माध्यम से हम उनको दूर करते हैं। इसके बाद हम इसके बारे में नेक्स्ट जानकारी आपको अगली स्पीच में या अगली व्याख्यान में देंगे। दैट्स ऑल।